नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 14 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप बिहार के ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, जिसमें आप बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल या बिहार से जुड़ी कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ज्ञान बिहार का सेगमेंट मिलेगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पटना के इस इलाके को जल्द ही जिला बनाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश। पंचायतों में तेजी से होगा विकास कार्य। बिहार पुलिस में बढ़ रही है नौकरी के अवसर। ड्रोन टेक्नोलॉजी में निपुण होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी। रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई की उठी मांग। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना के इस इलाके को जल्द ही जिला बनाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने संघर्ष के दिनों के साथियों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो बीते दिन लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण करने पहुंचे। वो 1989 से 2004 तक लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे थे, जहां पर ही उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों के साथियों से मुलाकात की और पुराने दिनों को याद किया। साथ ही इस दौरान उन्होंने सबका हालचाल भी जाना। इतना ही नहीं, इस दौरान मीडिया से बातचीत के तहत उन्होंने कहा कि बाढ़ से मेरा पुराना लगाव है, सबसे पहले हम यहीं से सांसद बने थे। बाढ़ को जिला बनाने के लिए यहाँ के लोग मांग करते रहे हैं। कुछ दिनों में हम लोग इन सब चीजों के बारे में फैसला लेंगे, तो बाढ़ को कैसे छोड़ देंगे, इसको लेकर आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। हमको जब भी यहाँ आने का मौका मिलता है तो आते रहते हैं, जिसके बाद ही ये जानकार मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को जिला बनाने के संकेत साफ शब्दों में दे दिए हैं। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे देवकी नंदन खत्री की। बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी लेखक थे। उन्होंने चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, गुप्त गोदना, कटोरा भर, भूतनाथ जैसी रचनाएं की। भूतनाथ को उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूरा किया। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया। इस किताब का रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी भी सीखी। बाबू देवकी नंदन खत्री ने तिलस्म, अय्यर और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बनाया। जितने हिंदी पाठक उन्होंने उत्पन्न किए, उतने किसी भी ग्रंथकार ने नहीं किए थे। बिहारी किसानों को भा रही है सरकार की योजना, बढ़ी निजी नलकूपों की संख्या। बिहार में नलकूपों की संख्या को लेकर सरकार चिंतित थी। उसके बाद ही सरकार की तरफ से नलकूप लगाने के लिए अनुदान देने की बात कही गई, जिसके बाद क्या था, सरकार ने पात्रता और भुगतान के तरीके में जैसे ही बदलाव किया तो योजना ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। आज आलम कुछ यूं है कि निजी नलकूपों की संख्या सरकारी से 3 गुना ज्यादा हो गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार सरकार ने बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना बनाई थी, तो निजी नलकूप लगाने वाले वैसे किसान को भी अनुदान मिलता था जिनके पास कम से कम 1 एकड़ जमीन हो। राज्य में 1 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों की संख्या 82.2% थी, जिससे भारी मात्रा में किसान इससे वंचित हो रहे थे। जिसके बाद ही लघु जल संसाधन विभाग ने योजना की पात्रता में बदलाव कर दिया और जमीन की जरूरत को मात्र 40% कर दिया, जिसके बाद से ही इनमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप सिर्फ 3 साल में 35,000 से अधिक किसानों को योजना का लाभ लेकर अपना नलकूप लगाते हुए देखा गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने निकाली रिक्तियां। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने प्रोजेक्ट इंजीनियर, ट्रेनी इंजीनियर के कुल मिलाकर 38 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में स्नातक डिग्री या कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग और 1 से 2 साल का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.bel-india.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। पंचायतों में तेजी से होगा विकास कार्य। पहले COVID-19 के कारण और पंचायतों की अस्थिर हुई विकास व्यवस्था काफी ज्यादा चरमरा गई थी, जिसके कारण ही देरी से ही सही लेकिन पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया गया, जिसके बाद ही पंचायत की सरकार भी बनी। वहीं अब पंचायतों में विकास कार्य को तेज करने की तैयारी हो रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायतों में चल रही योजनाओं और विकास कार्यों को गति देने के लिए जल्द ही 2255,91,00,000 जारी किए जाएंगे। छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में इस राशि को जारी करने की स्वीकृति दे दी गई है।
नेहा सिंह राठौड़ ने साफ कहा, मैं रुकने छिपने या दुबकने वाली नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद से लगातार निशाने पर आई नेहा सिंह राठौड़ को अब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद ही नेहा सिंह राठौड़ ने भी सामने आकर काफी कुछ कहा, जिसके तहत उन्होंने लाइव आकर ट्रोलर्स को जवाब देते हुए कहा कि मैं रुकने छिपने या दुबकने वाली नहीं हूं, मैं लोक गायिका हूं और गाने गाती हूं। उन्होंने कहा कि मैं कलाकार हूं, किसी सरकार की जय जयकार नहीं करती। मैं खुश हूं कि यूपी चुनाव में मेरा गीत सभी की जुबान पर रहा। इसकी वजह से देश के सबसे बड़ी पार्टी को 3 गीतों से इसका जवाब देना पड़ा। नेहा ने कहा कि मैं आलोचना करती रहूंगी, विरोध नहीं, और इन दोनों में फर्क होता है। बिहार पुलिस में बढ़ रहे हैं नौकरी के अवसर। अगर आप भी बिहार पुलिस में भर्ती होकर नौकरी करना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि बिहार पुलिस में नौकरी की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका फायदा बेरोजगार युवाओं को होगा। इसको लेकर सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सबसे खास बात यह है कि नौकरी के अवसर पुलिस की खास शाखा में बढ़ने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही पुलिस की विशेष शाखा का अपना अलग कैडर होने वाला है। कैडर के लिए बिहार पुलिस से तो पदाधिकारी और कर्मी मिलेंगे, इसके साथ ही विशेष शाखा के लिए सीधी नियुक्ति भी होगी। इसी को लेकर विशेष शाखा के क्लॉज कैडर की नियमावली का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी गृह विभाग की तरफ से साझा की गई है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से नियमावली का प्रारूप जल्द से जल्द भेजने का निर्देश दिया है। बिहार में 450 डिजिटल शिक्षकों की बनाई जा रही है टीम। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक भी अब डिजिटली मजबूत होने वाले हैं। इसको लेकर शिक्षकों को 6 सप्ताह का कोर्स करवाने की तैयारी हो रही है। इस कोर्स के माध्यम से शिक्षकों को तकनीकी शिक्षा की तमाम जानकारी दी जाएगी। इसको लेकर पूरे बिहार में 450 डिजिटल शिक्षकों की टीम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इतना ही नहीं, 50 शिक्षक भी शामिल होंगे, जिसमें कंस्ट्रक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग विद टेक्नोलॉजी नाम के इस कोर्स को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज करवाने वाला है, जिसमें प्राइमरी से प्लस 2 स्कूल के शिक्षक शामिल होंगे। सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में हर जिले के शिक्षकों को शामिल किया गया है। इसमें पटना जिले के 60 शिक्षक शामिल होंगे। हर जिले से प्राइमरी से प्लस 2 तक 10 से 15 शिक्षक शामिल होंगे। ज्ञात हो, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यूनिसेफ की मदद से कोर्स की शुरुआत करने की पहल की है। पटना में लकवा पर NDT भौतिक चिकित्सा विधि से उपचार कर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर प्रभात रंजन भौतिक चिकित्सा तांत्रिक विज्ञान केंद्र एम्स नई दिल्ली से अपना व्याख्यान दिए। इस कार्यशाला का आयोजन एडवांस फिजियोथेरेपी और हेल्थ केयर सेंटर और ब्रेन एंड स्पाइन इंजरी सेंटर के तत्वावधान में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नालंदा मेडिकल कॉलेज के स्त्री रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा प्रकाश ने अपना बहुमूल्य समय दिया। डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि वो इस टेक्निक से लकवा के मरीज को ठीक करने में बहुत मदद मिलती है। ऐसे डिसेबिलिटी की कम से कम संभावना होती है, जिसकी जानकारी पटना के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुजीत कुमार और आयोजन समिति के सचिव डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने दी। कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों ने बहुत ही ज्ञानवर्धन नॉलेज हासिल कर प्रसन्नता जाहिर की। बिहार में 336 करोड़ का गंगा रिसर्च सेंटर बनकर हुआ तैयार। बिहारवासियों को जल्द ही गंगा रिसर्च सेंटर की सौगात मिलने वाली है, क्योंकि ये रिसर्च सेंटर लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसको म्यूजियम के तौर पर बनाया गया है। इस पर कुल लागत 336 करोड़ रुपए की आई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें पटना के सभी घाटों की खूबसूरती और उसकी हिस्ट्री की जानकारी दी गई है। इतना ही नहीं, गंगा नदी की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक की यात्रा का भी वर्णन किया गया, जिसके बाद अब जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिसर्च सेंटर का दूसरा नाम गंगा म्यूजियम रखा गया है। पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर बने इस गंगा म्यूजियम में केंद्र सरकार ने नमामि गंगे योजना में 1050 करोड़ रुपए दिए थे। इसमें से 336 करोड़ रुपए से ही इस रिसर्च सेंटर को बनाने पर खर्च किया गया। इस म्यूजियम के अंदर बिहार के सभी प्रमुख स्थलों की जानकारी दी गई है। ये म्यूजियम बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, उससे ज्यादा अंदर का दृश्य लोगों को लुभाने वाला है। पश्चिम चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी के पास केसरिया में स्थित ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप की ऊंचाई 104 फीट है। भारतीय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने खुदाई के बाद साल 1998 में इस स्तूप की खोज की। इतिहासकारों का मानना है कि यहां के क्षेत्रीय लोग इस स्तूप को राजा बेन का रजा के रूप में जानते हैं, जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बनाया गया था। वेन सोंग, जो कि चीनी यात्री था, उसकी डायरी के अनुसार उसने भी स्थल का दौरा किया था। ड्रोन टेक्नोलॉजी में निपुण होंगे पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थी। बिहार में इन दिनों ड्रोन को काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्षेत्र चाहे किसानी का हो या फिर शराबबंदी कानून पर नकेल कसने का। बिहार सरकार की पूरी पूरी कोशिश होती है कि वो ड्रोन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करे। इसी कड़ी में अब राज्य के पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों को ड्रोन टेक्नोलॉजी में दक्ष बनाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके तहत ही ड्रोन को उड़ाने से लेकर इसकी मरम्मति आदि के बारे में विद्यार्थी को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि उन्हें आगे बेहतर रोजगार उपलब्ध हो सके। इसको लेकर डेहरी ऑन सोन के पॉलिटेक्निक कॉलेज को ड्रोन टेक्नोलॉजी का प्रशिक्षण दिलाने के लिए हब बना
बनाया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि विज्ञान और प्रावैधिकी विभाग ने इसके लिए 3 करोड़ की स्वीकृति भी दे दी है। बिहार के कई जेलों में एक साथ हुई छापेमारी। बिहार के जेल में बंद कैदियों की आपत्तिजनक वाक्यों में शामिल होने की जानकारी आए दिन सामने आती रहती है। एक कारण यही है कि कई बार बिहार के विभिन्न जिलों में छापेमारी भी की गई है। इसी के तहत अब होली से पहले बीते दिन कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए जिलों का सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान जेल में आपत्तिजनक सामान मिलने की सूचना मिली है। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 18 दिनों में दूसरी बार जिलों में जेल की छापेमारी की गई है। इससे पहले 24 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न जेलों में सर्च अभियान चलाया गया था, जिसके तहत ही बीते दिन सारण, शिवहर, खगड़िया के जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। रेलवे अधिकारियों पर कार्रवाई की उठी मांग। रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों का गुस्सा कुछ महीने पहले आपने भी जरूर देखा होगा, जिसके बाद से ही सरकार भी उनकी समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा चौकस नजर आ रही है। यही कारण है कि बार बार रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों की समस्या को जानने की कोशिश की जा रही। इसी कड़ी में बीते दिन राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में आयोजित रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थियों की समस्या और निदान और योगदान पर सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों की परेशानी सुनी और कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, जिनकी लापरवाही के कारण छात्रों को सड़क पर उतरना पड़ा। बिहार के अधिकतर पुस्तकालय की हालत हुई दयनीय। बिहार विधानसभा पुस्तकालय समिति के सभापति सुदामा प्रसाद के नेतृत्व में विधानसभा के 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार प्रतिवेदन भाकपा माले के विधायक की तरफ से पेश किया गया है। इस दौरान सुदामा प्रसाद ने बताया है कि यह संभवतः देश में पहला प्रतिवेदन है। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा में पुस्तकालय समिति भाकपा माले के कोटे से आई है, जिसमें सुदामा प्रसाद को सभापति बनाया गया। उन्होंने ही बताया कि बिहार में कार्यरत फालतू 40 में से 51 सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालयों को लेकर के यह प्रतिवेदन है, जिसमें पुस्तकों और आधारभूत संरचनाओं की गहरी जांच पड़ताल की गई। कई जिलों में पुस्तकालय पाए ही नहीं गए हैं और जहां पुस्तकालय पाए गए हैं वहां की स्थिति बेहद खराब है। लालू यादव की विचारधारा एनडीए में नहीं चाहिए। हाल ही में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने लालू यादव की विचारधारा की सराहना की थी। वहीं वर्तमान समय में वीआईपी एनडीए का हिस्सा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बाद भाजपा और वीआईपी के बीच की तलखी अब और ज्यादा बढ़ गई है, जिसके तहत ही पहले तो रविवार को उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपने एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही है, जिसके तहत ही सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि जो लोग लालू यादव की विचारधारा को मानते हैं उनके लिए एनडीए में कोई जगह ही नहीं है। हालांकि इस दौरान मुकेश सहनी का नाम तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यह साफ जाहिर था कि उनका इशारा किसकी तरफ है, क्योंकि हाल ही में मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता के दौरान लालू यादव की खूब तारीफ की थी। ममता बनर्जी की सेना में शामिल हुए शॉटगन। शॉटगन के नाम से मशहूर और बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से लोकसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस का दामन छोड़कर टीएमसी के साथ जा सकते हैं। बीते दिन ऐसा ही हुआ भी। आसनसोल संसदीय सीट पर होने जा रहे चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने उन्हें ही उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से भाजपा के बाबुल सुप्रियो सांसद थे, उन्होंने बाद में भाजपा छोड़ दी थी और टीएमसी का दामन थाम लिया था। इसी कारण आसनसोल में उपचुनाव हो रहा है और शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने उम्मीदवार बनाया है। इधर से बाबुल सुप्रियो को ममता बनर्जी ने बालीगंज से विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पश्चिम बंगाल उपचुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। मुकेश सहनी की भी दिखने लगी है चिराग नीति। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी और चिराग पासवान ये दोनों फिलहाल साथ तो नहीं है, लेकिन इन दोनों की राजनीति का तरीका अगर आप गौर से देखें तो यह समान है। हालांकि दोनों के समर्थन और विरोध करने की पार्टियां तो अलग अलग है, लेकिन दोनों की रणनीति लगभग एक जैसी नजर आ रही है। बिहार में आगामी एमएलसी चुनाव में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि आगामी एमएलसी चुनाव को लेकर 24 सीटों पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जहां उन्होंने 7 उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ उतारे हैं। वहीं 11 जदयू में और 3 भाजपा के एक पशुपति पारस परिवार का समर्थन किया है। बिहार में तेजस्वी यादव को लगाकर आला झटका। उत्तर प्रदेश के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी के गलत साबित होने के बाद बीते दिन बिहार में भी उन्हें कड़ा आला झटका लगा है, जिसके तहत एक साथ ही राजद के कई वरीय नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर जदयू का दामन थाम लिया। मेरी जानकारी के अनुसार प्रदेश महासचिव सह पूर्व नगर पार्षद अमित कुमार उर्फ पप्पू यादव समेत धर्मेंद्र यादव, अनुज ठाकुर, राजेश यादव, नीरज यादव आदि ने राजद छोड़कर जदयू में शामिल होने का फैसला लिया है, जिसके बाद ही सदस्यता बीते दिनों सभी ने ले ली। इस मौके पर जिला जदयू कार्यालय में एक समारोह का आयोजन भी किया गया था। जदयू जिलाध्यक्ष बबलू मंडल की मौजूदगी में ये लोगों ने जदयू में शामिल होने का निर्णय लिया। बबलू मंडल ने ही सभी को बुके और माला पहनाकर उनका स्वागत किया।
सिवान पहुंचकर चिराग पासवान ने प्रशासन को सुनाया खरी खोटी। सिवान में 4 दिन पहले जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की जान गई थी। हालांकि जिला प्रशासन ने इसको असामयिक मृत्यु बताया था, लेकिन रविवार को जमुई सांसद चिराग पासवान ने जिले के दरौंदा स्थित डेबर गांव में परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान ही चिराग पासवान ने बिहार सरकार के शराबबंदी कानून को तो असफल बताया ही, साथ ही सरकार को भी खूब खरी खोटी सुनाई। इसके तहत ही उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन के लोगों के द्वारा लीपापोती करने का काम किया गया है। जिले में शराब बिक्री धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन के लोगों को पता होने के बावजूद भी अब शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार से उन्होंने हर एक मृतक के परिजनों को 25 लाख रुपए और एक एक सरकारी नौकरी दिलाने की मांग की है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सन 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का मुंबई में प्रदर्शन हुआ। मोनाको में शाही परिवार राजकुमारी ग्रेस ने 1958 में एक पुत्र को जन्म दिया। उसी की खुशी में मोनाको में 101 तोपों की सलामी दी गई। सोनिया गांधी 1998 में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी। 1963 में भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जय नारायण व्यास का निधन हुआ। 2010 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित मराठी कवि गोविंद विनायक करंदीकर का निधन हुआ। शो में लौटे अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा को लगाया गले। अक्षय कुमार आखिरकार तमाम अटकलों को खारिज करते हुए द कपिल शर्मा शो में नजर आने वाले हैं। अक्षय और कपिल के बीच अनबन की खबरें थी, बाद में कॉमेडियन ने एक ट्वीट करके सफाई भी दी थी। अब अक्षय शो पर अपनी फिल्म बच्चन पांडे का प्रमोशन करते देखे जाएंगे। इसके साथ ही दूसरे एक्टर्स भी होंगे। शो का प्रोमो एक सामने आया है, जिसमें सोनी टीवी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि अक्षय कुमार कपिल की ओर दौड़ते हैं और उन्हें जोर से गले लगाकर गाल पर किस करते हैं। वहीं कपिल हंसने लगते हैं। पहले से ज्यादा सुरक्षित हुआ व्हाट्सएप वेब। जब से इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी पेश की है, तब से कई यूजर सीधे वेब ब्राउजर के जरिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। इसीलिए व्हाट्सएप अब अपने वेब ऐप को और अधिक सुरक्षित करने के लिए एक नया एक्सटेंशन लेकर आया है, ताकि उपयोगकर्ता खुद को हमलों से बचा सके। इस एक्सटेंशन को कोड वेरीफाई कहा जाता है। GSM एरिना के अनुसार इसका एकमात्र उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्हाट्सएप का वेब वर्जन पर्याप्त सुरक्षित है। भारतीय टीम ने की दूसरी पारी में 303 रन बनाकर पारी की घोषणा। इन दिनों भारत बनाम श्रीलंका के बीच में दूसरा टेस्ट मैच बेंगलुरु के एन चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां पर ही भारतीय टीम फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बीते दिन की बात करें तो भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 9 विकेट पर 303 रन बनाकर पारी की घोषणा कर दी, यानी कि दूसरी पारी के आधार पर भारतीय टीम को 486 रन की कुल बढ़त हुई है। बिहार में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल इन दिनों पूरे बिहार भर में अपनी सदस्यता अभियान को चला रही है। इसी कड़ी में इस अभियान के तहत दरभंगा के बेनीपुर में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर खूब निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। उनका सपना है बिहार में से बेरोजगारी पूरी तरह समाप्त हो। यदि उनको मौका मिला तो वो इसे जरूर पूरा करेंगे। नीतीश कुमार के बिहार में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने के बावजूद खराब कानून व्यवस्था, पलायन और बेरोजगारी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है दीपेंद्र कुमार, ज्ञान चौधरी, राशिद आलम, नुन्नू कुमार, राकेश कुमार, सुषमा कुमारी, नवीन मिश्रा, नीतीश कुमार, बी कुमार, मोहम्मद शाहिद कमाल, जितेंद्र ठाकुर, विकास कुमार, नंद कुमार सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत बनाम श्रीलंका के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए किसके जीतने की प्रबल संभावनाएं हैं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।